और अलार्म क्यों नहीं बोलता है, किस वजह पर नहीं बोलता है, मैं आज वो भी बताऊंगा गाइस। 100% अलार्म बोलेगा आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल, दिस इज गुफरान। गाइस हमारे पास कमेंट आ रही थी क्या इस वाली वॉच में अलार्म सेट करके दिखाएं, अलार्म नहीं बोल रहा है, अलार्म सेट करते टाइम AM PM सेट करके दिखाएं। तो गाइस हमने अलार्म सेट करते टाइम AM PM सेट करके दिखाया है इस वाली G-Shock की वॉच में। और गाइस हमारे चैनल पर इसकी अलार्म सेटिंग वीडियो भी है, टाइम सेटिंग वीडियो भी है, अनबॉक्सिंग की वीडियो भी है। आप लोगों को बहुत प्यार मिला है गाइस, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो गाइस फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस पहला आप देख लीजिए, ये मोड का बटन है, ये लाइट का बटन है, ये गाइस स्टार्ट का बटन है, और गाइस ये रीसेट का बटन है, आप इसको याद रखिए। तो गाइस मैं आपको एक बार मैं जूम कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से, आप गाइस यहाँ पर देख लीजिए ये PM आ रहा है, PM, और गाइस यहाँ पर अलार्म आ रहा है, और गाइस यहाँ पर SIG आ रहा है। गाइस पहले आप ये समझ लीजिए, तो PM है आपको पता होगा। अब गाइस ये अलार्म है, ये यहाँ पर आना चाहिए जब ही अलार्म बोलेगा, अगर ये यहाँ पर नहीं है तो गाइस अलार्म नहीं बोलेगा। गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी तो गाइस मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। और गाइस ये जो SIG है गाइस, इसका मतलब ये है कि आपकी वॉच हर घंटे पर बोलेगी, जैसे 12 बजेंगे तो बोलेगी, 11 बजेंगे तो बोलेगी, टीट इस तरह से बोलेगी। और गाइस आप यहाँ से इसको हटा देंगे तो गाइस आपकी वॉच हर घंटे पर नहीं बोलेगी। अब गाइस ये जो है अलार्म लिखा हुआ, और गाइस आप इसको भी यहाँ से हटा देंगे तो गाइस आपकी वॉच में अलार्म नहीं बोलेगा। तो गाइस ये तो हो गई यहाँ तक। अब गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से हटाते हैं, किस तरह से इसको लगाते हैं। तो गाइस ये जो आप रिसेट का बटन देख रहे हैं, ये यहाँ पर रिसेट का बटन है, हम इसको दबाएंगे, आप देख सकते हैं ये हट गया। गाइस हम इसको फिर से दबाएंगे तो ये हमारा अलार्म लग गया, अब हमारा अलार्म बोलेगा, जो हमारी हर घंटे पर बोलनी थी वो नहीं बोलेगी, हमारा अलार्म बोलेगा। लेकिन गाइस अलार्म अभी भी नहीं बोलेगा अगर आपने AM PM सही से सेट नहीं किया तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे चल के। और गाइस अब हम इसको फिर से दबाएंगे, अब गाइस हमारा अलार्म नहीं बोलेगा, हमारी वॉच हर घंटे में बोलेगी, टीट जो बोलती है 11 12 13 जो भी बजते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 में हर घंटे में बोलेगी। अब गाइस हम इसको फिर से दबाएंगे रिसेट के बटन को, आप देख सकते हैं अब हमारा अलार्म भी बोलेगा और हमारी वॉच हर घंटे में भी बोलेगी। अब गाइस जैसे हमें अलार्म बुलाना है, खाली हर घंटे में हमें नहीं बुलानी अपनी वॉच, तो हम इसको रिसेट के बटन को दबाएंगे, फिर से दबाएंगे, अब आप देख सकते हैं गाइस हमारी वॉच और हमारे वॉच में अलार्म बोलेगा, हर घंटे में नहीं बोलेगी। तो गाइस अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, अलार्म सेट करके दिखाता हूँ आप किस तरह से AM PM सेट करके अलार्म बजा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको अब मैं सिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको अलार्म को यहाँ पर लगे रहने देना है पहला नंबर। अब गाइस हम एक बार मोड का बटन दबाएंगे, फिर गाइस हम फिर से एक बार बटन दबाएंगे, अब गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे अलार्म वाली बिलिंग करने लगी, जैसे कि इस टाइम इसमें PM है जैसे कि इस टाइम हम इसको रिसेट वाले बटन से स्टार्ट वाले बटन से आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से हम गाइस AM PM सेट करेंगे अभी, इस तरह से आप P को देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे गाइस अब ये A हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये A हो गई, यहाँ पे पहले P थी। अब गाइस हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, अब गाइस अगर हमें A पे हमें अलार्म सेट करना है तो हम A पे भी अलार्म सेट कर लेंगे, लेकिन गाइस हमें P पे अलार्म सेट करना है तो हम P पे एक बार अलार्म सेट कर लेंगे। तो गाइस आप ये देख सकते हैं अब हम आपको फिर से स्टार्ट वाले बटन से आगे बढ़ाएंगे। अब गाइस यहाँ पर ये P हो जाएगा जहाँ पर इस टाइम A है,
आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पी हो गया। गाइस आप आपको एएम चाहिए या पी चाहिए तो आप इसको इसको जो है आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ाते रहिए, उसके बाद में जब आपका ये यहाँ पर पी आ जाए या फिर ए आ जाए तो आप तभी आप अलार्म सेट कीजिएगा। तो गाइस अब हम 3:00 का अलार्म लगाना चाह रहे हैं, तो गाइस हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस हमारे 3 बज गए, अब गाइस हम 3:26 का अलार्म लगाएंगे। तो गाइस हम एक बार रिसेट वाला बटन दबाएंगे, ये दब गया, पीएम का लगा रहे हैं गाइस हम अलार्म, तो हमारी पी यहाँ पर है। और गाइस अब हम स्टार्ट वाले बटन से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें 26 का अलार्म लगाना है इस तरह से। अब गाइस हम मोड के बटन को एक बार दबा देंगे, गाइस हमारा यहाँ पर अलार्म भी लग रहा है और गाइस हम टाइम भी सेट है हमारा, आप देख सकते हैं हमने करेक्ट। अब आप देख सकते हैं गाइस ये हमारा अलार्म बज रहा है, अभी गाइस हमारा अलार्म बोल रहा है, आप देख सकते हैं पी पर, ये हमारा पीएम पे अलार्म बोल रहा है, ये 1 तक बोलेगा गाइस अलार्म, ये गाइस 1 तक अलार्म बोलेगा। अब गाइस जैसे कि आपने ये जो अलार्म लगा हुआ है यहाँ पर अलार्म का निशान आ रहा है नीचे यहाँ पर, अगर गाइस आपने इसको हटा दिया तो फिर ये हमारा अलार्म नहीं बोलेगा, चाहे आप एएम सेट कर लीजिए, पीएम सेट कर लीजिए, फिर नहीं बोलेगा। गाइस कोई भी आपके मन में कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा। गाइस उम्मीद करता हूँ आपकी वॉच में अलार्म बज गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।